दूर उफक के पास कुर्बुल हिंद के हसीन जजीरों के झुरमट में झूल जजीरा अपनी आतिश फसा खसलत की वजह से झूल रहा था। जजीरे के वाहिद बासी सिमरत और सांवर्त अपने महल मनीष कुंड में बैठे थे। सिमरत का ध्यान सांवर्त पर मरकूज था। उसके दिल में मोहब्बत की लहरें उठ रही थीं। सिमरत जज्बे की वजह से बंद बंद झंझना रही थी। सारंगी के तार छिड़े हुए थे। तारों की लर्जिश सुरतियों समर्तियों तक जा पहुंची थी। फिर अथाह गहराइयों में किसी पुरसरार दफ पर जरब पड़ी। गुमक उभर कर सिमरत के सीने में गूंजी। दोनों पड़े धागे तिरकट नागे पजने लगे। वो गिरी जा रही थी। सांवर्द का हाथ थाम लिया। मुलतजी पुर उम्मीद निगाहें सांवर्द का तवाफ करने लगी। सांवर्द को खबर ही न थी कि सिमरत झूलन में है, बज रही है। वैसे तो वो सिमरत के पास बैठा था, लेकिन पता नहीं था कहाँ, दूर कहीं आकाश पर भटक रहा था। सांवर्द की बेखबरी देखकर सारंगी ऊंची सुरों में बैन करने लगी। जोड़ी ने तोड़ा मारकर सीना पीट लिया। फिर सिमरत के भीतर शोला लपका, काया पलट हुई, स्त्री नारी बन गई। सिमरत और सांवर्द दो साथी थे, अजली साथी। सिमरत सारंगी सम्मान थी, तारे ही तारे, लर्जिशें ही लर्जिशें। सांवर्द मुरली सम्मान था, हवा ही हवा, छेद ही छेद। सिमरत बादे नसीम थी, सांवर्द बगोला था। दोनों ख्वाबों के मतवाले थे। सिमरत सपने देखती थी, हाल के सपने। सांवर्द ख्वाब देखता था, फरदा के ख्वाब। दोनों झूलन के मतवाले थे। सिमरत प्रेम झूला थी, सांवर्द जलजला। उसके बावजूद दोनों साथी थे, जन्म जन्म के साथी। हाथ में हाथ दिए जजीरे में घूमते फिरते। सिमरत के हाथ में सांवर्द का हाथ होता। सिमरत की निगाहें सांवर्द का तवाफ करती। सांवर्द की निगाहें आकाश को घूरती। जजीरा इस कदर हसीन था कि अगर वो इसके हुस्न फरावा को देख पाते तो तहय्युर बढ़कर उन्हें थाम लेता। फिर न झूलन रहता न जजीरा, लेकिन वो झूल जजीरे के हुस्न से बेगाना थे। मानूसियत ने सांवर्द की आंखों पर पर्दा डाल रखा था, इसलिए जजीरा उसकी निगाहों में एक आम सा मंजर था। सिमरत की निगाहों को प्रेम झिलमिल ने धुंधला रखा था। उसके लिए जजीरा हसीन तो था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वहाँ सांवर्द था। सांवर्द का होना सिमरत के लिए सब कुछ था। फिर भी उसका दिल चाहता कि सांवर्द भी जाने कि सिमरत है, चाहे कि सिमरत हो। उस वक्त मनीष कुंड में बैठे सिमरत के मन में ये आरजू जागी कि सांवर्द जाने के सिमरत है, चाहे कि सिमरत हो। लेकिन सांवर्द आकाश के तारों में खोया हुआ था। आकाश के तारे बड़बड़ झूल जजीरे को देख रहे थे, एक दूसरे को आंखें मार रहे थे। झूल जजीरा हमेशा से सितारों की निगाहों का मरकज रहा था। जजीरा कम कम, झूल ज्यादा, इसलिए वो इसके बासियों को तकते रहते। वैसे तो धरती पर सैकड़ों जजीरे थे, लेकिन झूल जजीरा सबसे ज्यादा दिलफरेब था। सितारे देखकर मशहूर हो जाते। उनका जी चाहता कि वो आकाश के बजाय झूल के बासी होते और हमेश प्रेम झूलने में पड़े झूलते रहते।
लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वहां जाना तो मुमकिन है लेकिन कयाम करना मुमकिन नहीं, चूंकि वहां रोमानी फजाओं का तसल्लुत है। चारों तरफ से एक लय उभरती है, एक रक्स बेदार होता है और फिर एक मस्ती, एक दीवानगी, एक जलजला। पता नहीं इस जजीरे की तख्लीक में क्या हिकमत कार फरमा थी। देखने में आम सा टापू था, एक बहुत बड़ा सब्ज प्याला, प्याले के वस्त में नीली झील, झील के ऐन बीच में सुनहरे रंग की खोखली चट्टान आवेजा थी, जैसे किसी मंदिर का कलिस हो। इस चट्टान के खूह में मनिष्कुंड का महल था, जिसमें सांवर्द और सिमरत रहते थे। सब्ज प्याले के ऊपर चारों तरफ नारियल के दरख्त इस्तादा थे, दरख्तों के पीछे जमुर्दी चट्टाने और उनके पीछे नीला समंदर। रात के वक्त मुनक्कश आसमान झूल को यूं ढांप लेता जैसे धानी तश्त पर जरनिगार सरपोश डाल दिया गया हो। आकाश के तारे झूल जजीरे के बासियों के दीवाने थे, वो उन्हें हैरत से देखते। वो देखो, वो देखो, नन्ना तारा ताली बजा कर कहता। वो अपने डोलते नैनों से रंग पिचकारी चला रही है। हाँ, दूसरा हंसता, चिल्ला रही है, चिल्ला रही है, पर्दा भीगता नहीं। पता नहीं क्या भेद है, तीसरा गुनगुनाता। वो खुद में नहीं रहती और वो खुद में कैद पड़ा है, फिर भी वो जन्म जन्म के साथ ही है। चौथा टिमटिमाता। देखो देखो, नन्ना चिल्लाता, काया पलट हो गई, स्त्री नारी बन गई, अब इरद और रथ बाहर निकलेंगे और फिर। मत देखो मत देखो, बुढ़ा सितारा डांटता, मत देखो, सिर्फ वही देख सकता है जो जानता हो, जो नहीं जानता वो देखे तो रास्ते से भटक जाता है, ध्यान पवित्र नहीं रहता। हाँ, क्यों ना देखें, नन्ना चिल्लाता। झूल के मंजर को देखकर तो देवता खुद अपना काम काज भूल जाते हैं। वो देखो वो, दूसरा चिल्ला कर बोला। अंधी रथ खूह से बाहर निकल आई। हाँ, तीसरे ने कहा, उसका बदन यूं बलखा रहा है जैसे आबनूसी घुम्मन घेरी हो। सुनो सुनो, इर्द चिंघाड़ रहा है। लो, गूंगा इर्द मैदान में आ पहुंचा, अब इसमें उछल जागेगी और वो सरो सम्मान उभरेगा, फिर रथ पर झपटेगा और फिर प्रेम नाच। नन्ने ने ताली बजाई। आहा, प्रेम नाच नहीं पुत्र, गूढ़ा सितारा बोला, युद्ध नाच। देवताओं को पता चलता कि सितारे देख रहे हैं तो वो जजीरे पर बादलों का पर्दा डाल देते। झूल जजीरे में इरद और रथ का रक्स सदियों से जारी था। इरद और रथ सांवर्द और सिमरत के जंगी गुलाम थे। रथ सिमरत की बांदी थी, इरद सांवर्द का बुर्दा था। सब्ज प्याले के अखाड़े में गूंगा इरद और अंधी रथ लड़ लड़ कर लहू लुहान हो जाते और फिर प्रेम झील के किनारे पड़े सिसकियां भरते। दोनों ही मजलूम थे, उनकी दुनिया तीरा उतार थी, उनकी कायनात अलमो एजा से भरी थी। गूंगा इरद जज्बात के कोड़ों से इस्तादा होने पर मजबूर कर दिया जाता, उसका पाया सतून जंजीरों से जकड़ कर बुलवाया जाता, तनाव से बंद बंद टूटता, ऐसे मालूम देता जैसे अहराम मिस्र का कोई हबशी मैमार हो जो किसी फिरौन के कोड़े तले बिल बिला रहा हो, या जैसे हिमालय की किसी तारीख खूह में ईजा परस्त योगी तन तन कर अपनी हड्डियां तोड़ रहा हो। अंधी रुत अमीक गहराइयों में महसूर थी, उसके पांव में पुरसरार बेड़ियां पड़ी हुई थी, जिस तरह खुले समंदर में सतह पर बड़े बड़े ढोल नुमा पीपे बजाहिर आजादाना तैरते हैं लेकिन दर पर्दा जंजीरों से बंधे होते हैं।
कोई तीरा उतार धुन की रत का बंद बंद धुनकती थी, कोई पुरसरार जरब पड़ती जिसकी लर्जिश उसे गोद में लेकर झुलाती, इतना झुलाती कि झूलन अजाब की शक्ल इख्तियार कर लेती। फिर कोई खुफिया आतिश फिशाजू से फटता, लावे का दरिया बहने लगता जिसके किनारे इरद और रत लहू लुहान पड़े सिसकते रहते और सितारे बड़ बड़ उन्हें देखते। हाँ, सितारे उन्हें देख देख कर कभी ना उकताते थे। एक कहता, रत और इरद का प्रेम नाच कितना जाजिब है। दूसरा बोलता, प्रेम तो बहाना है, ये तो युद्ध नाच है। तीसरा कहता, ना प्रेम ना युद्ध, ये तो मस्ती का इजहार है। चौथा गुस्से में चिल्लाता, अंधे हो, तुम्हें मजबूरी और लाचारी मस्ती नजर आती है। तुम नहीं जानते कि इस संसार को हरा भरा रखने के लिए प्रेम कुदरत की एक चाल है। कुछ सितारों का ख्याल था कि इरद और रत सांवर्द और सिमरत के हाथों मजलूम हैं। कुछ कहते नहीं, सिमरत और सांवर्द रत और इरद के हाथों मजलूम हैं। फिर बूढ़ा सितारा आह भर कर गुनगुनाता, मत देखो मत देखो, देवताओं के भेद जाने बगैर तुम देख नहीं सकते, फिर देखने का फायदा। कोई इस तमाशे का भेद नहीं जानता था, देवता खुद हैरान थे, उन्हें सिर्फ जाहिर का पता था, भीतर की बात सिर्फ परमेश्वर जानते थे। देवताओं का कहना था कि जब परमेश्वर ने सांवर्द और सिमरत की तखलीक की थी तो उनके पाँव में इरद और रत की बेड़ियां न थीं। उस वक्त वो सिर्फ मुनश और स्त्री थे, मुनश में डंक न था, स्त्री में नार न थी। उस वक्त वो मर्द और औरत थे, मर्द में इरत न था, औरत में रुत न थी। परमेश्वर ने सिमरत के जीव में प्रेम झूलना लगा दिया और सांवर्द के जीव में सोच उड़ान भर दी। सिमरत का ध्यान सांवर्द से जोड़ दिया और सांवर्द का आकाश की तरफ मोड़ दिया। सिमरत की सोच के माथे पर आज की बिंदिया लगाई, सांवर्द की सोच में आवारगी भर दी। सांवर्द से कहा, जा तू आकाश में आवारा रह। सिमरत से कहा, जा तेरा काम ये है कि सांवर्द को घसीट कर धरती पे ला। फिर उन्हें झूल जजीरे पर उतार दिया। सदियां बीत गईं। फिर एक दिन इत्तेफाक से देवताओं का उधर से गुजर हुआ। कीतु महाराज ने हैरत से झूल जजीरे की तरफ देखा, बोले, ये कौन सी जगह है? सिंधु महाराज ने जवाब दिया, ये झूल जजीरा है, परंतु यहां आनंद का सम्मा क्यों नहीं? चंद्र महाराज ने पूछा। हां, की तू गुनगुनाए, यहां से दुख की बास आ रही है। अज महाराज हंसे, कहने लगे, प्रेम झूलन में दुख क्यों? देवताओं को देखकर सिमरत और सांवर्द भागे भागे आए। जय हो महाराज की, धन भाग हमारे। तुम यहां आनंद से हो ना? चंद्र महाराज ने पूछा। प्रेम झूलन में बैठे हैं तो आनंद ही होगा, संधू ने कहा। सिमरत हाथ जोड़कर बोली, प्रेम तो है महाराज, परंतु झूलन नहीं। झूल जजीरे में झूलन नहीं? अज महाराज ने हैरानी से पूछा। हाँ महाराज, सिमरत बोली, प्रेम चक्र सम्मान चलता है, झूलन सम्मान नहीं। जो चक्कर सम्मान चले वो कष्ट बन जावे है। झूलन सम्मान क्यों नहीं चले है? कीतु ने पूछा। महाराज, सिमरत ने कहा, झूलन सम्मान तो तभी चल सके है जब बढ़े, रुके, मुड़े और फिर से बढ़े, जैसे लहर चले है महाराज। सच कहती है, चंद्र महाराज बोले, जो चक्र सम्मान चलता ही जावे है वो कष्ट बन जावे है, जो रुक रुक कर लहर सम्मान चले सो आनंद। महाराज, सिमरत ने हाथ जोड़कर कहा, इस प्रेम चक्र ने मेरी सुध बुध मार दी है, और महाराज जद सुध बुध ही ना हो तो आनंद कैसा?
सच है, अज महाराज बोले, तू तू कहने वाले को जब मैं की सुध बुध न रहे तो फिर जान लो कि न तू रहा न मैं रही। तू नहीं बोलता सांवर्द, कीतू ने पूछा। ये क्यों बोलेगा महाराज? सिमरत बोली, ये तो मेरा तू है और अपने कारण निरा मैं ही मैं, और महाराज जो मैं ही मैं हो उसे प्रेम से वास्ता, मुझ पर दया करो महाराज। सिमरत घुटने टेक कर खड़ी हो गई। अज महाराज बोले, जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। प्रेम चक्र प्रेम झूलन में बदल जाएगा। जब प्रेम हुलारे इतने बढ़ जाएंगे कि दम घुटेगा तो भूचाल आ जाएगा, लावा बह निकलेगा और तू शांत हो जाएगी। धन हो महाराज धन हो, सिमरत फूल सम्मान खिल गई। अज महाराज ने ताली बजाई, इरद और रथ हाथ बांधे आ खड़े हुए। ये तुम्हारे बुर्दे हैं सिमरत, रथ तेरी बांधी है। सांवर्द, इरद तेरा बुर्दा है। जब प्रेम कष्ट बन जाए तो इरद और रथ आ जाया करेंगे, ये प्रेम युद्ध नाचेंगे, फिर कष्ट आनंद में बदल जाएगा। धन हो महाराज धन हो, सिमरत खुशी से चिल्लाई। पर एक बात का ध्यान रखना, अज महाराज बोले, इन बर्दों को नीच ना जानना, इनका अपमान ना करना, ये सच के पुजारी हैं, इनकी शान बड़ी ऊंची है, इनमें पवित्रता कूट कूट कर भरी है, इन्हें देवता सम्मान जानना, आरती चढ़ाना, जय बुलाना। इन्हें लोभ के लिए बरतोगे, इनका तमाशा बनाओगे तो इनका अपमान होगा, ऐसा हुआ तो इरद में उछलना रहेगी, इसका सर नीचा हो गया तो प्रेम झूलन टूट जाएगा और लोभ चक्र चल पड़ेगा। जब ऐसा हुआ तो जान लेना वो धरती के आखिरी दिन होंगे। न्यूयॉर्क की नेविड लिविट क्लब में हाल तमाशाइयों से खचा खच भरा हुआ था। तमाशाई आखिरी मंजर देखने के लिए बेचैन हो रहे थे, आंखें उबलकर बाहर निकल आई थीं, नसें तन तन कर बजने लगी थीं। तमाशाइयों के जिस्म लुटे पुटे थे, जिन्स के अफरीत के रोंदे हुए लताड़े हुए, जज्बाए मोहब्बत शहवत के गाढ़े मलबे की दलदल में बदल चुका था। ख्वाहिश जिस्म से चो चो कर जहन में आ जमा हुई थी। जहन भिड़ों के छत्ते की तरह भिन भिन कर रहे थे। आखिरी सीन इरद और रथ का नाच था। दफ्तन पर्दा उठा, स्टेज पर अंधी रथ अंगड़ाइयां ले लेकर अपनी हड्डियां तोड़ रही थी। उसके बदन की तारें झन झन कर रही थीं, सुरतियां बज रही थीं, फिर आर्केस्ट्रा से दफ की आवाज उभरी, आदम खोर हबशियों जैसी। रथ के सीने के दोनों पड़े धागे तिरकट नागे बजने लगे, फिर उसके जिस्म से जिंस का खौफनाक बुलावा गूंजा। हाल में एक जलजला आ गया। स्टेज के विंग से गूंगे इरद की चिंघाड़ सुनाई दी, जख्मी चिंघाड़, जैसे रिंग में दाखिल होने से हिचकिचाने वाला सर्कस का शेर धाड़ता है। फिर कोड़ों की आवाजें सुनाई दी, दो चार सात, और आखिर गूंगा इरद चीखता चिल्लाता स्टेज पर आ खड़ा हुआ। उसके आबनूसी जिस्म पर कोड़ों की शंग्रफी धारें पड़ी हुई थीं, जिनसे खून रिस रहा था। इरद ने रथ की तरफ देखा और झिझक कर पीछे हट गया। तड़ाख, विंग से एक हंटर लहराया, उछल उछल। रिंग मास्टर की जेर लबी गूंजी, इरद दर्द से बिलबिला कर उठा। एक जस्त भरी लेकिन उसमें उछल पैदा ना हो सकी और वो मुंह के बल गिर गया।
तमाशाइयों की गैज़ो गज़ब भरी आवाज़ें बुलंद हुईं। वो सब उठकर खड़े हो गए। मैनेजर, मैनेजर! रिंग मास्टर मैनेजर की तरफ भागा। सर, आज फिर इरद में उछल पैदा नहीं हो सकी। वो स्टेज पर मुंह के बल गिर पड़ा है। शो रुक गया है। तमाशाई तोड़ फोड़ पर आमादा हैं। मैनेजर उठकर खड़ा हो गया, चिल्लाकर बोला, पर्दा गिरा दो, इंतजार फरमाइए का कैप्शन लगा दो। तुमने शो से पहले प्रिकॉशन लिए थे? उसने पूछा। हमने कोड़े लगाए थे सर, बिजली के कोड़े, रिंग मास्टर ने जवाब दिया। मैनेजर ने जवाब दिया। अब कोड़े काम नहीं आएंगे। डॉक्टर कहाँ है? उसे बुलाओ, बोलो डबल इंजेक्शन दे दे। स्टेज पर पहुंचकर मैनेजर ने जख्मी इरद को झंझोड़ा। अप मैन, अप! वो बोला, दी शो मस्ट गो ऑन, दी शो मस्ट गो ऑन।